ये जगह है तोता घाटी ना, तो ये व्यासी से तोता घाटी पहुँचे, यहाँ तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर था, 11.6 या 7 था अभी जो मैंने देखा था। तो मैं यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे लिखा हुआ था कढ़ी चावल राजमा, बट यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि कढ़ी चावल राजमा नहीं है, सिर्फ मैगी है। तो मैंने इनको मैगी बनाने के लिए बोला, हमने कहा चलो कई सालों बाद मैगी खा लें। तो यहाँ पे भी एक पूरी फैमिली आई हुई थी और इन्होंने सुना, तो इन्होंने ये देखिए घर का खाना था, इन्होंने हमें ऑफ़र किया घर का खाना। तो मैं बिना संकोच के, आपको पता है ना, मैं कहता हूँ खाने पीने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, मैंने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाते हुए तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने कहा घर का बना हुआ है, तो मैंने लिया। हमने कहा मैगी कौन खाएगा, कह रहे मैगी बच्चे खाएंगे। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि मैं जो ये ट्रैवल कर रहा हूँ एक कॉज के साथ में कर रहा हूँ। कॉज हमारा ये है कि हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें, ख़त्म करें, कम से कम वाली भी बात नहीं, ना ही करें। तो रीज़न क्या है, क्योंकि वो प्लास्टिक का जो बैग है वो डिकम्पोज नहीं होता है, उसको तकरीबन 2000 साल लगते हैं पूरी तरह से डिकम्पोज होने में। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ प्लेज लें कि हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि मैंने ऋषिकेश में देखा कि ऋषिकेश में जो फ्रूट सेलर्स एंड ऑल हैं, वो जो वुमेन बैग है वो इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं चालान हो जाता है, अदरवाइज नहीं करते हैं। अब जैसे मेट्रोज में है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में तो खूब जम के इस्तेमाल होता है। अभी मैंने एक न्यूज़ एक स्निपेट देखी थी, पूरा मैं नहीं देख पाया क्या था, मैड्रास में, चेन्नई में एक आया है कि वहाँ पे जो प्लास्टिक के क्या चीज़ रख रहे हैं मुझे भी पता नहीं एग्जैक्टली, बट वहाँ पे वो दुकानें सील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए, और तभी हो सकता है जब हम नागरिक कहते सिटीजन तैयार होंगे उसके लिए, तभी हम सबको सरकार के जिम्मेदारी पे नहीं कर सकते। अभी जैसे कह रहे थे ना कि हम साइकिल का एक ट्रेंड आ गया है बाहर और यहाँ पे साइकिल के ट्रेंड में, एक ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ क्यों नहीं उतना हो पाता है, यहाँ पे उतना सिक्योर नहीं है। बाहर क्या है कि ट्रैफिक नियमों का पालन बहुत अच्छी तरीके से होता है, वहाँ अगर 8 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है आपके एक लेन में, जिस तरह से आप जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला कि कहेगा चलिए मैं क्रॉस करके आगे पहुंच जाता हूं। यहां क्या जरा सा जाम हुआ नहीं, दूसरा वाला करके जाम कर देते हैं और पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। तो प्लीज़ आज क्या कह रहे हैं कि आप लोग प्लेज ले रहे हैं कि हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आप भी अपने स्कूल कॉलेज में, अपने स्कूल कॉलेज में आप अपने स्कूल में बोलेंगे ना सभी फ्रेंड्स को कि भाई हमें जो है ना इस्तेमाल नहीं करना। मेरी फ्रेंड्स नहीं करते हैं। नहीं करते, आप करते हो? कभी 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 मेरी फ्रेंड्स नहीं करते हैं बट मैं करती हूँ, तो नहीं करना चाहिए। चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।